हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में जो लेटेस्ट अपडेट्स है रिगार्डिंग बहरीन ट्रैवल का। और उससे भी पहले बी सेफ, प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। अगर आप बहरीन में हो तो वैक्सीनेशन डोज नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगा लीजिए। अगर आप इंडिया में हो तो भी प्रिकॉशंस का फॉलो कीजिए। इंडिया में अभी बहुत केसेस रिकवर हो रहा है, स्पेशली बहरीन का जो आज है वो रेस जो केसेस है बहुत डाउन है। डेथ केस बहुत कम है, 100 से 150 केसेस पर डे हो चुका है, पहले 2000 केसेस था। तो प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, गैदरिंग बंद कीजिए, ज़्यादातर बाहर मत विजिट कीजिए। तो गाइस, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। मुझे बहुत कमेंट आ चुका है रिगार्डिंग बहरीन का। यार, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है लोगों का बहरीन में ट्रैवल करने का, वो इतना ज़्यादा कमेंट्स है, एक ही क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट। लेकिन मैं हर एक क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ। कॉल्स मुझे बहुत आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, 2-3 कंट्रीज एडिशनल और जुड़ चुके हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉल्स को एक एक करके जवाब देने के लिए, क्योंकि यार इतना आप मैसेज कर रहे हो कि टाइम नहीं मिल पा रहा उसे आंसर करने के लिए। लेकिन यूट्यूब पे जितना भी कमेंट्स आ रहा है, हर एक कमेंट्स का मैं एक एक टाइम निकाल के रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक कमेंट की वजह से आपका जो सेटिस्फिकेशन है उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जो कन्फ्यूजन से वो डाउट से वो क्लियर हो जाएगा ऑब्वियसली। नहीं तो इतना कमेंट्स, इतना व्यूज़ और इतना जो लाइक्स आप लोग जो कर रहे वीडियोस पे वो नहीं आएगा। अगर प्रॉपर आपको कमेंट नहीं मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग विजिट ही नहीं करोगे। तो इसके लिए मुझे जो कमेंट्स आया मैं उसका पहले आंसर करूंगा, उसके बाद डाउट्स से उसे मैं क्लियर करूंगा। तो मैंने कहा था 2-3 कंट्रीज जो एडिशनल जो यूट्यूब पे है कमेंट आया था ट्रैवलिंग पर्पस, उसमें से एक कंट्री का नाम है इथोपिया। सबसे पहले तो मुझे डाउट ये लगा कि इथोपियन अलग है, मेरा जो चैनल है उसका लैंग्वेज हिंदी में मैं बात करता हूँ, इवन मैं सबटाइटल्स इंग्लिश में भी नहीं देता, तो मेरा वीडियो का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे पता कैसे चला, मुझे बहुत सोचा। बाद में जब कमेंट कंटिन्यू 2-3 बार कमेंट आया, हाउ कैन आई टू टू बहरीन, बहरीन प्लीज हेल्प, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जो वर्ड टाइप किया था वो थोड़ा अलग था, तो बाद में मुझे उसे ट्रांसलेट करना पड़ा। तो उसका जो मेन जो था वो रिलेटेड यही था कि हाउ कैन ट्रैवल फ्रॉम इथोपिया टू बहरीन। तो डियर फ्रेंड, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, चांसेस तो मुझे भी पता नहीं चल रहा कि आपको हिंदी समझ में कैसे आता है, लेकिन आपने मेरा वीडियो विजिट किया है। और सरप्राइज की बात यह है कि मेरा वीडियो जो है वो एशियन कंट्रीज में हाईलाइटेड टारगेट है, तो अभी वो साउथ अफ्रीकन रीजन में कैसे चला गया, आपने कैसे सर्च किया, वहाँ तक कैसे आ गया, उतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन थैंक्स, आपने मुझे मेरा वीडियो फॉलो किया, आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो उसके लिए थैंक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे ट्रांसलेट करके आपको वापस आपके इथोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दूंगा। इथोपिया के लिए डायरेक्ट बहरीन के लिए अभी कोई फ्लाइट्स नहीं है एज पर मेरा जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको बहरीन से अगर ट्रैवल करना है इथोपिया जो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ से आपको दुबई का फ्लाइट से दुबई को आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दुबई के वीजा की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांजिट के लिए दुबई फ्री है। बहरीन का वर्क परमिट वीज़ा होना चाहिए। रेड लिस्ट कंट्रीज में आप नहीं आते हो साउथ अफ्रीकन, तो आपको इजीली ट्रैवल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से आप बहरीन में आ सकते हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस वही है, क्वारंटाइन है, पीसीआर का टेस्ट चाहिए, फीस आपको 24BD पे करना पड़ेगा, सेम है, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहरीन में और कोई ऑप्शन नहीं है साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट विजिट करने के लिए। तो ये था मेरा पहला इंटरनेशनल कमेंट। तो यार, अभी भी डाउट है कि पता नहीं बंदे ने कैसे मुझे मैसेज किया, उसे हिंदी कैसे समझ में आया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, चलो वीडियोस हेल्पफुल है। तो मैं कुछ कमेंट्स के आंसर करूंगा जो मेरे लास्ट वीडियो में आया था। अभी भी जो डाउट है यार, आपने कहा कि भाई आप दो वीडियो हो, कन्फ्यूज़ हो रहा है कि आपका समझ में नहीं आ रहा कौन सा वीडियो वॉच करें। सब टाइटल जो थंबनेल है उसमें टॉपिक है, कोई भी रूमर नहीं है, कोई भी वर्स तक थंबनेल, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा उसी का है थंबनेल, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि थंबनेल में कुछ है व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अगर मैंने कुछ चेंज किया, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे हटा दूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे लास्ट वीडियो में आया था। उनका नाम है शेख समुल्ला। भाई, मेरा एजेंट बोल रहा है वीज़ा बंद है, क्या ये सच है, प्लीज़ रिप्लाई करो। सर, ये सच है, मेरे पास एक बहरीन का एक न्यूज़ का एक फोटोकॉपी है, मैं उसे टाइटल में डाल दूंगा या फिर उसको वीडियो के साथ जोड़ दूंगा। सब जो भी नया वीज़ा अब अप्लाई करो, कोई भी हो, वर्क परमिट हो, विजिट हो, कोई भी अभी अप्लाई करोगे, टेम्पररी सब बैन है,
ध्यान से सुनना, टेम्पररी नॉट परमानेंट। लास्ट में मुझे इसका कमेंट आया था, टेम्पररी सब बैन है एज पर 2 जुलाई। 2 जुलाई के बाद चांसेस है 100%, किसी को भी नहीं पता, रूमर पे फॉलो मत करना। ओके, जो आपके एजेंट है बिल्कुल सच बोल रहा है, अभी हर एक वीजा बहरीन में आने के लिए रेड लिस्ट कंट्रीज से बैन है। सेकेंड है बलवीर सिंह, हेलो सर, हमें बहरीन में वैक्सीनेशन चाइना का लगाया है, क्या मैं अभी इंडिया से वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, साइनोफार्म वैक्सीनेशन WHO अप्रूव्ड है। अगर आपने बहरीन में हो तो आप बूस्टर डोज है, मैंने वीडियोस में कहा है बूस्टर डोज लगाने के बाद ही इंडिया में जाना, नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में रूल्स ऐसा हो जाएगा कि बिना वैक्सीनेशन के बहरीन में भी विजिट नहीं कर पाओगे। बूस्टर डोज लगाने के बाद दोस्तों, आप जिन्होंने भी साइनोफार्म का वैक्सीनेशन बहरीन में लगाया है, प्लीज़ बूस्टर डोज के लिए अप्लाई करो, उसके बाद ही वैकेशन जाना, नहीं तो आने के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स होगा, फिर आप ही कमेंट करोगे कि हमें एंट्री नहीं मिल पा रहा। तो इनका कमेंट और क्या है, कमेंट्स इतने सारे हैं कि मैं धीरे धीरे रिप्लाई करूँगा। तीसरा कॉमेंट अम्मू अम्मू प्रशांत, हाय सर, इज देर एनी चांस टू गेट अ न्यू फैमिली वीज़ा? सॉरी राइट नाउ स्टिल 2 जुलाई नो चांसेस। ओके, 2 जुलाई तक चांसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में चांस है, आप भी पेशेंट रखिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। मुझे मालूम है कितना प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार आप वैकेशन में जाते हो, आपका जो भी सब कुछ जो भी कैरियर है, जो भी स्टार्टअप है, वो सब बहरीन में है, उसके बाद आपको वापस जो दिक्कत हो रहा है वो मुझसे बढ़कर तो कोई, क्योंकि मैं खुद 9 महीना इंडिया में फंसा हूँ, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा, आप 1 या 2 महीने के लिए जाके फंस चुके होंगे, 9 महीना मैं इंडिया में गुजार के आया हूँ क्वारंटाइन में, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बी पेशेंट रखिए। एक कमेंट मुझे आया था कि व्हाट इज़ फैमिली वीज़ा एंड रेसिडेंशियल वीज़ा। देखिए यार, सीधी बात है, जिस कंपनी जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है वो आपको रेसिडेंशियल वर्क वीज़ा के लिए बुला के लेके आ रहा है। अगर आपको फैमिली वीज़ा चाहिए तो उसी स्पॉन्सर से आपको लेटर करना पड़ेगा, वही आपके डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसे कंपनी पॉलिसी है तो शायद वो आपका फैमिली वीज़ा का भी पे कर लेगा, नहीं तो आपको खुद का फैमिली वीज़ा का पे करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल वीज़ा आपके पास है तो ही आप उस कंपनी के थ्रू, उस स्पॉन्सर के थ्रू फैमिली जो आप बुलाना चाहते हो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो आपको स्पॉन्सर की तरफ से एक लेटर मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, तो ही आप बुला सकते हो। यही डिफरेंस है, रेसिडेंशियल वीज़ा है आपके कलीग के पास तो ही वो आपको फैमिली की वीज़ा, फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट फैमिली की वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो यार, मुझे कमेंट आया था, हाउ कैन यू अप्लाई बिना वह आपका कोई पहचान नहीं कुछ नहीं, ऐसे फैमिली की वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो बहरीन में? उसके लिए आपको लिंक चाहिए, कलीग चाहिए, जो आपका रिलेटिव है, चाहे हस्बैंड हो, सन हो, कोई उनका फादर हो, फैमिली रिलेटेड कोई भी होने दो, जिसके पास ऑलरेडी वर्क परमिट का वीज़ा है, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसका मैं वीडियो में बाद में अपलोड करूँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ, मेरे एक एक वर्ड्स जो ट्रैवलिंग रिगार्डिंग से, अगर 100% नहीं गारंटी मैं कह सकता कि भाई इतना टाइम में आप अप्लाई करो, भाई आज का फ्लाइट है प्लीज़ जंप करो, नो, डोंट फॉलो द रूमर्स, ठीक है। मेरा वीडियो अभी भी मैंने कहा था लास्ट वीडियोस में कि ये ट्रैवल ब्लॉग वीडियो है, न्यूज़ वीडियोस नहीं है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमेंट्स मेरे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और मैं उसको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, और कुछ कॉमेंट्स जो मैंने लास्ट मंथ में दिए थे उसकी वजह से बहुत लोग विजिट किया बहरीन में, तो उनके बेस पे मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई सर मेरा वीज़ा हो चुका है, मेरे पास वर्क परमिट वीज़ा है ऑलरेडी, सब कुछ है, तो मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ, तो आप आ सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, ओके, आप ट्रैवल कर सकते हो। और एक कमेंट आया था मुझे कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा था बैन है अभी, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। मुराद खान, व्हेन ओपन वर्क वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान? 2 जुलाई तक कोई भी, मैं कुछ नहीं कह सकता यार, चांसेस है लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, जब ओपन हो जाएगा तो मैं वीडियोस अपलोड कर लूँगा। मरियम राशिद, तो बहुत लंबा, हेलो सर, मेरी फ़्लाइट है पाकिस्तान से लंदन के लिए, बहरीन में स्टे है मेरा, बहरीन की कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं फ़्लाइट ट्रांसफ़र के लिए? प्लीज़ रिप्लाई, UK का तो मुझे पता है, बहरीन तो कोई मसला नहीं होगा। तो पाकिस्तान से मैडम ने एक मैसेज किया है, इनका नाम है मरियम। तो देखिए, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप बहरीन में विजिट कर रहे हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बहरीन का फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है तो यह बहरीन में विजिट कर सकते हो। ट्रांजिट के लिए बहरीन के जो मैंने इमिग्रेशन का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर साफ लिखा है फॉर ट्रांजिट आपके लिए फ्री है, आप बहरीन से फ्लाइट चेंज करके UK के लिए जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मैडम, आपको इसको, होप आप
आपको कमेंट भी किया है तो आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी चाहे तो फॉलो कर सकते हो, मैं और डिटेल्स डाल दूंगा। तो आपको अगर आपको लंदन जाना है, यूके जाना है वाया बहरीन होके, तो ट्रांजिट फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। हैप्पी जर्नी। और क्या कहूँ, रिव्या प्लीज़ टेल मी सर डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट वीज़ा और फैमिली वीज़ा, ये फिर से कॉमेंट आया है मुझे, तो मैंने आपको इसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है। अदनान साहिद, हाय ब्रो, फाइनली मेरी सीट कंफर्म हो गई है, मंडे को फ्लाइट है तो मैंने PCR टेस्ट करवा लिया है, होटल बुकिंग हो चुका है, तो आप दुआ करना मेरे लिए। जरूर यार अदनान साहिद, हैप्पी जर्नी, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप एक बार अगर बहरीन में आ चुके तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर लेना। समेस रहमान, यार मेरा वर्क पेमेंट वीज़ा कैंसल्ड शो हो रहा है, ऐसा क्यों? और मेरा पास वीज़ा प्रिंट भी है लेकिन वेबसाइट में एप्लीकेशन कैंसिल शो। भाई ऑलरेडी बैन है, आप प्लीज़ मत ट्राई करना अभी यार, प्रोसेस में मत करना, आपका बैन हो जाएगा। मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि अभी मत ट्राई करो, एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से अभी न्यूज़पेपर में भी आया है कि जो भी रेड लिस्ट कंट्रीज से है वर्क परमिट के ऑल जो भी वीज़ा है, जो न्यू वीज़ा अप्लाई करो कि सब बैन हो जाए, सब प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा, अभी मत अप्लाई करना, फालतू में टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। कमेंट्स, मोस्टली कमेंट्स का मैंने आंसर किया तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। अभी सैयद, हेलो ब्रो, देर इज एनी चांस फॉर नो मोर क्वारंटाइन आफ्टर 2nd July इन बहरीन? मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था यार, क्या कहूँ मैं कि यार ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड है, लेकिन क्वारंटाइन लेस हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। जब तक ये सिचुएशन चलेगा पैंडेमिक का तब तक थोड़ा घूमना पड़ेगा, तो अब इसको आपको आंसर मिल गया होगा। अब अब्दुल, जस्ट लेटेस्ट मैसेज आया है, सर अरेबिक कंट्रीज टू जो लोग चाइना वैक्सीन लगवा के क्या लगवा रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ में तो कह रहे हैं कि सिर्फ यूरोप कंट्रीज के वैक्सीन। अरे यार रूमर पे फॉलो मत करो अब्दुल भाई, ऐसा कुछ नहीं है, साइनोफार्म जो वैक्सीनेशन है वो WHO अप्रूव्ड है, आप विजिट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बूस्टर डोज लगवा लो, जो उसका स्टोरी है बूस्टर डोज का वो मैं बाद में बताऊंगा, सब चीज़ एक ही में मिक्सअप करना नहीं चाहता, वीडियो और लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर लेता हूँ। सलमान अहमद, पाकिस्तान से फ्लाइट ओपन है सऊदी के लिए, उसका सऊदी का मैं जवाब बाद में दूंगा दूसरे वीडियोस में। इमरान मोहम्मद, वीज़ा और फ्लाइट ओपन हुआ है होगा तो एग्ज़ाम का कुछ मीनिंग सऊदी का न्यूज़ कभी मैं वापस में। नवीन कुमार, आई एम फर्स्ट व्यू, थैंक्स डूड, यू फॉलो मी रेगुलर। सूर्य कुमार, कैन यू प्लीज एडवाइस मी, न्यू बहरीन वीजा होल्डर्स फ्रॉम इंडिया आर गिवन चॉइस टू अवॉइड होटल क्वारंटाइन बाय शो एड्रेस प्रूफ। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, अगर आपके पास रेसिडेंशियल का प्रूफ है तो आप क्वारंटाइन को स्टे जो है वो जो क्वारंटाइन है उसको आप अपने फ्लैट में कर सकते हो। तो दोस्तों बस अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बाकी के कॉमेंट्स में बाद में करूँगा, तो फिलहाल होप हेल्पफुल रहा हो आपको ये वीडियो। बाय, टेक केयर।